उद्योग विभाग के द्वारा होटल रेडिशन ब्लू में स्टेक होल्डर मिड ड्राफ्ट एथेनॉल प्रोडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल राज्य के कई उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम के उपरांत उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि 2 सप्ताह पहले कैबिनेट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्वीकृति मिली और फिर इसे नोटिफाई किया गया है। इथेनॉल प्रमोशन प्रोडक्शन पॉलिसी इसका उद्देश्य है कि जो भी लोग स्टेक होल्डर हैं यहाँ पर उससे संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं, लगाने के इच्छुक हैं, हम लोग उनके पास ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर जाएं और बेहतर कम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव इसको कैसे बनाया जाए इन पर ध्यान देने की जरूरत, दूसरे राज्य का क्या बेस्ट पॉलिसी है उसको भी कॉपी किया जा सकता है। झारखंड राज्य के लिए एथेनॉल प्रोडक्शन की 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कि राज्य में किसानों की आय बढ़ेगी, खासकर राइस मिल्स और मिल्स के प्रोडक्शन को लेकर। दूसरा उद्देश्य है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन फ्यूल है। इसका उद्देश्य है जो मजदूर दूसरे राज्य से पलायन होकर झारखंड आ रहे हैं उन्हें रोजगार देना यह राज्य की सरकार की पहली प्राथमिकता है और उद्योग को गति दे सके सरकार इसको लेकर अगले कुछ दिनों में विभाग में कई अन्य पॉलिसी लेकर आने की योजना है। को जानकारी है कि हम लोगों ने करीब कुछ 2 सप्ताह पहले अपनी झारखंड की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नोटिफाई किया है, लॉन्च किया है कैबिनेट की स्वीकृति के बाद से। और अभी हम लोगों की ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है जिसके ऊपर आज स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका उद्देश्य है कि जैसे हमने इंडस्ट्री पॉलिसी के संग भी किया था कि जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ पर उससे संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं, लगाने के इच्छुक हैं, हम एक ड्राफ्ट पॉलिसी पहले उनके बीच लेके जाएं, उनसे सुझाव लें कि उनको क्या लगता है इसको और बेहतर और कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, और दूसरे राज्यों में अगर कोई बेस्ट पॉलिसी है, बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट करने का 3 उद्देश्य है। एक तो इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, खासतौर से राइस और मेज के प्रोडक्शन को लेकर के। दूसरा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन फ्यूल है। अगर इथेनॉल 25% पेट्रोल में मिक्स होता है तो सल्फर जो रिलीज़ होती है वो बहुत ही उससे कम रहती है। और तीसरा कि अब जब हमारे पोस्ट कोविड एरा में बहुत सा लेबर लौट के आ रहे हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, साउथ से, दिल्ली से, तो उनको यहीं पर रोज़गार के हम एवेन्यू दे सकें, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकें, एक उद्योग को गति दे सकें, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हम लोग को निर्देश प्राप्त है। तो उसी के क्रम में सरकार विभाग अगले कुछ दिनों में बहुत सी पॉलिसीज़ को लेकर आएगा, जिसकी शुरुआत आज इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी के साथ में है। इसके अलावा फूड एंड फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, हमारी नई टेक्सटाइल पॉलिसी, इसके साथ में रूरल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए रूरल इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और अन्य कई पॉलिसीज़ लेकर के विभाग आएगा। और हमें उम्मीद है उसके बाद 1 साल के अंदर लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक परिकल्पना है कि हम एक सही मायने में एक औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर सकें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।